और एक महीने में तो आपको केवल और केवल रिवाइज ही करना है, जो पढ़ा है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करो। रिवीजन का मतलब यही होता है, जो पढ़ा है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना। रिवीजन नहीं किए तो जो पढ़ा है वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होगा, होगा भी तो निगेटिव मार्क्स में कन्वर्ट होगा। एजुकेटिंग टुडे फॉर बेटर टुमारो। पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि मैं भले ही आपको सीरियस ना दिखूं, सीरियस बातें करते हुए ना लगूं, बट जो टॉपिक है हमारा ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो आप इसको सीरियसली ही लोगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं रिवीजन के बारे में। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम सभी को पता होगा। अगर आप खुद को जज करना चाहते हो कि अगर किसी को कोई बहुत 30 मार्क आ लगता है कि नहीं यार मैं तो एक बार पढ़ लेता हूं सब याद हो जाता है बस रोबोट की तरह, तो आप एक बार कोई चीज पढ़ो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो और जस्ट फ्रेश फ्रेश पढ़ो और उसको एक बार लिखने की कोशिश करो कि आपने जितना पढ़ा है उसको कितना परसेंट तक आप लिख पाते हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई लिखेगा उसका 30%, कोई लिखेगा तुरंत पढ़ा हुआ, कोई लिखेगा उसका 40%, कोई थोड़ा अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा वो 50%, कोई सुरमा जो होगा वो लिखेगा 60%, और कोई एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजब का आदमी होगा, गजब का माइंड होगा तो वो लिखेगा 70%। इससे ज्यादा कोई नहीं लिख पाएगा, ये मैं तुरंत की बात कर रहा हूं। अगर आप तुरंत पढ़ के तुरंत लिखते हो तो, क्योंकि चीजें जिस तरीके से आप पढ़ते हो उस तरीके से रिटेन नहीं हो पाती, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज तो है कि बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। अगर आप 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता छोड़ देते हो उसी चीजों को तो वो आ जाएंगे 20-30% पे, 1 महीना छोड़ दोगे तो अराउंड 20-15% आपको याद रहेगा, चीजें भूलती हैं। अब कुछ लोग परेशान होते हैं यार कि मैं तो पढ़ते ही भूल जाता हूं। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि यार बचपन में हमको ना च्यवनप्राश और हरलक्स नहीं पिलाया गया, सला इसलिए मैं भूलता हूं, अगर पिलाया गया होता तब तो मैं भी बाकी की तरह चैंपियन होता। अगर कोई आपसे कहता है कि वो एक बार पढ़ के सारी चीजें याद रख लेता है तो आपके इमोशन के साथ खेल रहा है भाई, वो आपको झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई नहीं होता है, चीजें सबको भूलती है और ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना होती है, भूलते हैं, हमको रिवाइज करते रहना है। और रिवाइज करते रहने की बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे लोगों ने बताए भी होंगे और वो जब बहुत हद तक सही भी है, मैंने भी कई सारे जगह तक बताया है कि आपको एक रिवीजन का प्लान बना लेना चाहिए। और अगर आप पढ़ते हो, और मुझे लग रहा है कि मैंने कई सारे जगह ये चीजें डिस्कस किया है, तो आप पीछे से करते आ रहे होंगे, चाहे मेरे कहने पे, चाहे खुद के सोचने पे, या फिर कहीं और देख के किसी और का सुन के, कि आप पढ़ो तो उसको एक वीक में रिवाइज करो, फिर 15 डेज में, फिर 25, या 1 मंथ में, फिर 2 मंथ में, इस तरीके से रिवाइज करते रहो। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा चीज आप करते आ रहे होंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारा अब चल रहा है लास्ट मोमेंट, आपके एग्जाम में 32-35 डेज बचे हुए हैं, तो इस डेज में हम अपना रिवीजन किस तरीके से प्लान करें या जो चीजें हमने पढ़ा है उससे आउटकम कैसे निकालें। क्योंकि देखो आप पढ़ लिया, आपने सारा पढ़ लिया, आप कैसे पढ़े हो आप ही को पता होगा। मैं तो यही उम्मीद करके चलूंगा कि आप जिन चीजों को पढ़े हो उनको समझ के पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। और यहां पे मैं रिवीजन की बात करने जा रहा हूं, तो यहां पे 2 चीजें आपको ध्यान देनी है, मैं उसी के सेंस में बात करूंगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने अगर पढ़ाई किया है, अच्छे से पढ़ाई किया हो, तो आपके पास एक नोट्स होनी चाहिए। ये नोट्स आपकी खुद की बनाई होनी चाहिए, किसी से लोन पे उधारी में लेके आए हो, फोटोस्टेट की कॉपी से, फोटोस्टेट की दुकान से खरीद के लाए हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी एक सेल्फ मेड नोट्स होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होंगे जिनके पास ये नहीं होगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि काम तो बिल्कुल आप अच्छा नहीं किए, आपको बनाना चाहिए था, फिर भी अगर आपने नहीं बनाया है तो ये तो उम्मीद आपसे किया जा सकता है कि जो बुक्स आपने पढ़ी होंगी उसमें एटलीस्ट आपने कुछ चीजों को हाईलाइट किया होगा, कहीं पे कुछ पिन किया होगा कि यार ये चीज मैं पहली बार पढ़ा हूं, मुझे याद नहीं रहा, मतलब पहली बार पढ़ा हूं ये चीज मुझे याद नहीं रहता है, भूल जाता है, इसको पिन किया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पे लिख लेता हूं, कुछ नया सीखा हूं। तो एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो बुक्स आपने पढ़ा होगा वहां पे हाईलाइट किया होगा आपने, कुछ चीजें पॉइंट आउट किया होगा, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा होगा, कोई नई चीज लिखा होगा, ये सारी चीजें आपने किया होगा पहले से, प्री जूम करके मैं चल रहा हूं। अगर आपने ये भी नहीं किया ना तो भैया फिर तो आप भगवान भरोसे ही हो, और फिर डेली आप सुबह शाम नहा के अगरबत्ती दिखाना चालू करो, क्या मालूम कुछ हो जाए, बाकी यहां से तो कुछ नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूं कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास नोट्स होगा, अगर नोट्स नहीं होगा तो ये होगा। हमको अब क्या करना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब ये समझ लो ना, बड़ा भाई, गुरु, जो भी मानना है, दोस्त, मित्र, जो भी मानते हो आप, ये आप नोट कर लो कि आपको आप
अब आपको कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, ये जो लास्ट वन मंथ बचा है प्लीज कोई नई चीज ना पढ़ें। अगर कोई आपके ऐसे इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है जो आपके माइंड को डिस्टर्बल करती है कि यार यार ये मेरा छूट गया, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हो, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना है। हाँ, कुछ होता है, कुछ छूटा रहता है तो हम स्टेबल नहीं हो पाते, कह रहे यार मेरा ये छूटा है, परेशान रहते हैं और उस चक्कर में दूसरी चीजें नहीं कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो उसके लिए मैं बताऊंगा, डोंट वरी। आप ये कह लो तो उसके लिए हम लास्ट में बताएंगे कि वो क्या करना है। तो कोई भी नई चीज नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप नई चीज पढ़ते रहोगे, चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, तो एग्जाम में अल्टीमेटली आपको आउटपुट नहीं मिलेगा जिसके लिए आप पढ़ रहे हो। होना क्या है कि आपने जो पढ़ा है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है। कैसे मार्क्स में भाई? मार्क्स में कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव मार्क्स में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर पॉजिटिव मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं हो सकता आपका। अब रिवीजन कैसे करना है कहोगे, सर इतना सारे बकवास कर दिए, मेन चीज बताओ, टाइम खराब कर रहे हो, एग्जाम का टाइम है। अच्छा, बहुत टाइम खराब हो रही है जब आप जाके वहां पे इधर उधर मुंह मारते हो यूट्यूब पे, वो टाइम तो खराब होता नहीं आपका। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको फील होने लगता है क्या बता रहे हैं, टाइम खराब हो गया। अब बढ़ते हैं, रिवीजन कैसे करना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं चाहिए, पहली चीज तो आपको ध्यान देना है कि जब आप इसको पढ़ रहे हो और बहुत क्विक पढ़ पा रहे हो, तेजी से पढ़ पा रहे हो, कम टाइम में पढ़ पा रहे हो, पहले आपने जितना टाइम लगाया था उसके 20-30% टाइम में इसको पढ़ पा रहे हो पहली बार, तो आप समझो कि हाँ आप रिविजन कर रहे हो। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप समझ लेना कि भैया आपने पहली बार ठीक से नहीं पढ़ा, फिर से आप दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो रिविजन नहीं कहलाता है, उसको तो सीखना कहते हैं। अगर कम टाइम में आप इसको रिवाइज कर रहे हो तो यहां पे इसको रिवाइज करते रहो, और ध्यान दो कि इससे पहले मैंने जो रिवीजन किया था, जिसको हम कहेंगे कि जब पढ़ते टाइम रिवीजन किया था, उसमें से क्या भूल रहा है उसको थोड़ा सा पिन करने की कोशिश करो, वहां पे हाईलाइट करने की कोशिश करो, फिल्टर आउट करने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें आपको डाउट्स हो रहे हैं उसको फिल्टर आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि हमको लास्ट वन वीक का भी रिविजन करना है। वन वीक में भी जो लास्ट वीक बचेगा उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करनी है, जो इंपॉर्टेंट है हमने लिखा था पहले और फिर भूल गए, उसको हमको रिवाइज करना है, तो उसके लिए आपको फिल्टर आउट करते रहना है पढ़ते टाइम। पढ़ते टाइम कुछ लोग क्या करेंगे, नोट्स बना लिए, लगा कि अब तो यार मतलब बहुत महान काम किया हूं, बाकी लोग तो ये किए होंगे, कुछ लोगों ने तो वो भी नहीं किया होगा, मैंने तो नोट्स बनाया तो सिलेक्शन पक्का है। कुछ लोग क्या करते हैं, तब आराम से फैल गए बिस्तर पे और ऐसे लेके नोट्स को रिवाइज करते जा रहे हैं, बार बार उसी को रिवाइज कर रहे हैं। अब दिमाग में चूंकि तो लोड तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि चीजें कई बार पढ़ लिए हैं, याद हो गई है, आप बस ऐसे पलटते जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं, मन ही मन खुश हो रहे हैं कि अरे वाह यार सब तो तैयार है, सब तो तैयार भैया। तो आपको क्या है, कुएं का मेंढक नहीं बनना, इसे थोड़ा बाहर निकलो। रिवीजन करने का तरीका क्या होता है कि पहली चीज तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद उन चीजों को, अगर अच्छा तरीका ये मैं बता रहा हूं, अगर आपके दोस्त मित्र हैं, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो थोड़ा सा डिस्कस करो, ये नहीं सोच लो कि यार इसको बता दूंगा तो साला ये भी कंपटीशन में आ जाएगा, ऐसी मेंटेलिटी ना रखो, उसको डिस्कस करो। आप देखोगे कि जो चीज आप पढ़ के किसी के साथ डिस्कस कर लेते हो ना, एक बार किसी को बता देते हो, वो नहीं पूछ रहा फिर भी बताओ कि यार तूने ये पढ़ा है क्या, ये ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला ये है, ये मजेदार क्वेश्चन है, मैंने इस पे सॉल्व किया था, जबरदस्ती बताओ उसको, ठीक है, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। तो पहली चीज भैया कि कोई दोस्त मित्र है तो उसके साथ डिस्कशन करना है, डिस्कशन कर लिया आपने तो दूसरा रिवीजन का तरीका है। डिस्कशन कैसे करोगे भैया, डाउट्स कैसे आएंगे, प्रॉब्लम कैसे, आप चूंकि डिस्कशन करोगे तो यहाँ पे हो सकता है दोस्त भी इंटरेस्टेड हो, कोई डाउट्स भी आए तो वो भी साथ साथ आप कवर करते जाओ। दूसरा क्या करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट कर लो आप, या फिर आपने टेस्ट सीरीज लगाया तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करते रहो, या फिर कोई आप बुक प्रीफर करते हो प्रैक्टिस सेट, ऐसे क्वेश्चन नहीं जिसको आपने 20 बार पढ़ा हुआ है, मतलब मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं, सॉल्व करते रहें, ये बेस्ट तरीका होता है किसी चीज को रिवाइज करने का, मेमोराइज करने का, और अपने जो हमने मेहनत किया है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करने का। तो जहां से भी टेस्ट सीरीज से कहो या मॉक टेस्ट या कोई बुक में वैसे दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर, जैसा भी आपको बेटर लगता है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे वो थ्योरेटिकल आपके एग्जाम में आते हो तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिस करना है। जैसे यहां पे अगर मान लीजिए आप जीपीएससी किसी स्टेट इंजीनियरिंग की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग हो जहां पे प्रीफर करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पे थ्योरेटिकल होते हैं, तो थ्योरेटिकल गेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी कम टाइम बचा हुआ है, तो वहां पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, खूब न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितना कर सकते हो बस न्यूमेरिकल करते रहो, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, आप प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस के बाद आप इन सारी चीजों को जब आप करोगे तो आपको लगेगा यार कि कुछ चीजें हैं जो आप मिस कर देते हो थोड़ी सी, या फिर भूल जाती हैं, आपने 2-3 बार पढ़ लिए हैं, तो उसको जैसे मैंने बताया आपको, उसको फिल्टर आउट करके आपके नोट्स में कहीं पे लिखना है।
लिखने से फायदा ये होगा कि अब जब आपका लास्ट टाइम आएगा, इसके बाद भी तो कम टाइम बचेंगे यार, आप मान लो एक महीना है, 15 दिन होगा, कुछ दिन बाद एक वीक होगा, तो क्या करोगे आप, तो आप देखोगे कि अगर इसको आपने, चूंकि ये तो रिवाइज कर लिया, आप लास्ट मोमेंट वाला इससे पहले भी आपने किए होंगे, तो उम्मीद करता हूं कि इस रिवीजन के बाद ये जो रिवीजन है ये आप एक बार कर लो, अगर पूरा हो गया तो 2 बार कर लो, और कुछ लोगों को जैसे मैंने कहा था कुछ सब्जेक्ट छूट गए हैं, अगर आपको रिवीजन के बाद टाइम मिलता है तो आप यहां से यहां मूव कर सकते हो कि आपकी जो चीजें आपने पढ़ा था अगर वो कंप्लीट हो गया तो फिर क्या करो, आप यहां से यहां मूव कर सकते हो, नई चीज पढ़ सकते हो, मगर नई चीज उसी शर्त पे पढ़ना है जब पुरानी जितनी भी पढ़ी हुई चीज है उस पर आपकी कमांड 100% अराउंड हो, चलो 100% नहीं मगर 98-99% कमांड हो, आप उसको खूब प्रैक्टिस कर चुके हो, फिर भी टाइम बच रहा है तो यहाँ आप जा सकते हो, बिना ऐसे किए जाना मत, नहीं तो जो पढ़े हो वो मेहनत आपकी खराब हो जाएगी, कुछ नया सीखने के चक्कर में बस आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, रात में अच्छी नींद आएगी, सपने आएंगे कि यार मैंने तो सब रिवाइज कर लिया, अब अगले साल ना पोस्ट मिलेगी, फिर इसके बाद सैलरी मिलेगी, फिर एक घर खरीदूंगा, एक गाड़ी खरीदूंगा, फिर जिसको प्रॉमिस किया उसे शादी करूंगा, ये सब सपने आएंगे अच्छे अच्छे क्योंकि आपने पढ़ा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया, मगर जो परफेक्ट कॉन्फिडेंस है जो मार्क्स में कन्वर्ट होंगे वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो नहीं होने वाला है, तो आपको प्रैक्टिस करना है, डिस्कशन करना है दूसरों से, दोस्तों से, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस में डाउट्स आ रहे हैं वो डिस्कस करते रहना है ताकि जो डायमेंशंस हो आपके क्वेश्चंस की वो चेंज होती रहे। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जहां पे आपको डेटा दिया गया है और वो याद रखना है, जैसे नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लोग होंगे मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे कुछ डाटा मेंशन किया गया है वो आपको याद रखना है, मतलब मेमोराइज करना है, भैया उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप किस तरीके से उसको मेमोराइज कर पाते हो इसकी आप कोशिश करो, किसी चीज से आप कोरिलेट कर पाते हो तो वो कोशिश कर लो कोरिलेट करके याद रखना, और उसको लिखो जरूर, लिख लो उसको, क्योंकि वो भूलता है, भूलेगा, अभी टाइम है 1 महीने का, अभी भी कई बार उसको आपको रिवाइज करते रहना है, और कोशिश करो कि ऐसी चीजों को हम हर 2-4 दिन पे 5 डेज 6 डेज जैसे आपको जितना दिन तक याद रहता है आप अपने कैपेसिटी अपने कंस्ट्रेंट के हिसाब से, क्योंकि जो भी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना आपको एज इट इज अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है, और आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार ये एज इट इज आके मेरे ऊपर बैठ जाएगा और ये एकदम संजीवनी है इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको सुनना है बट अपने कंस्ट्रेंट के हिसाब से अपने लिमिट के हिसाब से अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजों को सिंक्रोनाइज करना होता है, तो उस हिसाब से आपको वो चीजें लिखनी होती हैं, जैसे मान लीजिए नॉन टेक्निकल का पोर्शन है आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी से कुछ चीजें पढ़नी है तो इसमें भी प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको बार बार लिख के रिवाइज करते रहना है, क्योंकि वही आपको मार्क्स दिलाएगा, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे चीजें भूल जाओगे, और कुछ लोग होते हैं ना एकदम मुहूर्त का इंतजार करते रहते हैं कि बस पहले एक बार सब खत्म करेंगे फिर एक साइड से सब रिवाइज करेंगे, उनका होता क्या है एक साइड से ऐसे पढ़ते गए एकदम चमकीली लाइन, दूसरे साइड से ये मिटती गई फिर वापस से यहां से घूम के आएंगे यहां और फिर देखेंगे कि ये रिवीजन नहीं है ये फिर से पढ़ाई ही है, तो इस टाइप की चीजें आप प्रैक्टिस ना करो, ऑब्वियसली इस टाइप की चीज तो प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं बचा है, हम 1 मंथ की बात कर रहे हैं, हाँ अगर आप नए एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो भी आप इस तरीके की चीजें प्रैक्टिस ना करें, आप साइक्लिक रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाएं, कुछ टाइम बाद उसको रिवाइज करते रहें, और 1 महीने में तो आपको केवल केवल रिवाइज ही करना है, जो पढ़ा है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करो, रिवीजन का मतलब यही होता है जो पढ़ा है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना, रिवीजन नहीं किए तो जो पढ़ा है वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होगा, होगा भी तो निगेटिव मार्क्स में कन्वर्ट होगा, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, उम्मीद करता हूं कि कुछ तो आपको आइडिया मिला ही होगा और यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ा सा लाइक करके जाइएगा, मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।